रहा हूँ कि आप लोग ठीक होंगे मेरे प्यारे मित्रों, और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी मेरे प्यारे मित्रों, और चलनी भी चाहिए। वेलकम टू माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस। मैं सुखराम यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं फिर सेशन लेके हाजिर हूँ जी के जीएस का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे या फिर मित्रों आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए। और ज्यादा समय ना लेते हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक शानदार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। आज का हमारा सेशन है जीके जीएस सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है शरीर में, शरीर में रक्त का औसत औसत आयतन, आयतन होता है। तो शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है फ्रेंड्स? तो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का होना पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, कैलोरी, कैलोरी यूनिट है किसका है? तो फ्रेंड्स यह है उष्मा का। कैलोरी यूनिट किसका है? तो यह है उष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये कौन सी हड्डी होती है फ्रेंड्स? तो फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, पानी के अंदर, पानी के अंदर ध्वनि सुनने, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहा जाता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स नोट करिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहा जाता है फ्रेंड्स, तो वो कहा जाता है हाइड्रोफोन को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? हाइड्रोफोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, कौन सा जीव, नोट करिए, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है? कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है मेरे प्यारे मित्रों? तो वो होता है केचुआ। केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए फ्रेंड्स, विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी, फैलने वाली बीमारी करा, विषाणु के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? तो नोट करिए फ्रेंड्स, वो होता है पोलियो, वो होता है पोलियो।
पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, पेनिसिलिन किसके द्वारा खोज किया गया। तो ये किया गया फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है फ्रेंड्स। तो किस पे आधारित है नोट करिए, परमाणु संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलती है। तो सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलती है फ्रेंड्स, तो वो निकलती है हाइड्रोजन। नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट नोट करिए, परमाणु बम की खोज किसने की थी। परमाणु बम की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, तो नोट करिए आप लोग, सन 1941 में ऑटो हान ने परमाणु बम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, धोने वाले सोडे का रासायनिक, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स, आप लोग सोच के बताइए। तो यह होता है सोडियम कार्बोनेट। धोने वाले सोडियम का नाम होता है मेरे प्यारे मित्रों सोडियम कार्बोनेट। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, जो मित्र नहीं नोट किए इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें बेल आइकन की घंटी, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।